गोदामों में पड़ा 1466 कुंटल एक्सपायरी डेट चना आनंद फानंद में पीडीएस हितग्राहियों को बांटने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया। पूर्व में खाद्य विभाग के अपर सचिव और नान के प्रबंध संचालक ने चना वितरण के आदेश दिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा चना और नमक वितरण योजना बंद कर दी गई थी, जिससे वितरण नहीं हो सका और अब 6 माह की एक्सपायरी डेट वाला 168 कुंटल चना गोदामों में सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। 1298 कुंटल चना 1 महीने बाद खराब हो जाएगा और इसे देखते हुए शेष चनों को तुरंत बांटने की योजना बनाई गई है और जुलाई माह के अंत तक जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसे बांटने के लिए टीम गठित की गई है, लेकिन चना खराब होने की जिम्मेदारी किसान किसी ने नहीं ली है। नागरिक आपूर्ति निगम से 2 इंस्पेक्टर लगे थे, क्वालिटी इंस्पेक्टर, और हमारे यहाँ से 4 लगे थे फूड इंस्पेक्टर, उनके द्वारा क्वालिटी जाँच की गयी है और 1414 क्विंटल, लगभग 1414 क्विंटल ही है वो, सभी प्रदाय केंद्रों में है अभी भंडारित और क्वालिटी अच्छी है और वितरण के योग्य है। चना वाली बात आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, अगर ऐसी गलती कहीं हुई है और शासकीय धन का नुकसान हुआ है तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और हम इस बात को हाईकमान तक पहुँचा दें। वही जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर की निगरानी में चलाए